इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार दुबे जी। श्री हरिद्वार दुबे जी, आज रेल बजट पर चर्चा हो रही है और मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद दे दूं कि मुझे उन्होंने इस चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया है। मानवर, सबसे पहले इस कोरोना काल में जहां विश्व इस महामारी से ग्रसित था और भारत को इसे निकालने में जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद मैं पहले प्रधानमंत्री को और फिर उसके अंतर्गत ऐसा सुलभ आम बजट रेलवे के लिए आया, उसके लिए मैं रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। मानवर, रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपया इस बजट में आवंटित हुआ है। निश्चय ही इससे रेलवे का विकास होगा और विकास के लिए सुदूर जहां पूर्वोत्तर में अभी राकेश जी गिना रहे थे कि पूर्वोत्तर के सारे राज्य जो सेवन सिस्टर्स कहे जाते हैं उनके राजधानी को जोड़ा जा रहा है, वो एक सुदूर कश्मीर के पश्चिम में कश्मीर में और बनियाल और वहाँ तक भी रेल लाइनें बिछ गई है। मानवर, जहाँ अभी तक एक लोग सपना समझते थे बुलेट ट्रेनों की, अभी बात आ चुकी है तो पहली घोषणा हुई थी बम्बई से अहमदाबाद की, लेकिन अब दूसरा भी हो गई है कलकत्ता से और बनारस तक की। और इसी तरह से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, मैं छोटे शब्दों में कुछ समय के आप प्रतिबंध लगा दिया है। एक चंद्रशेखर जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो बलिया से सिवान बिहार की एक रेलवे लाइन का सर्वे कराए थे और उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि सर्वे यदि हमारे माननीय मंत्री जी को कहीं याद आ जाए और सर्वे में स्टेशन जो बने के थे उसमें हुसैनाबाद और बिहार का बलुआ और जगन्नाथ का पीपरपाती ऐसे होते हुए सिवान जाने की बात थी। मानवर, मैं चाहूँगा कि रेलवे लाइन को जोड़ा जाए और रेलवे लाइन के बनाने से अनेक उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी, भले चंद्रशेखर जी के नाम पर ही रेलवे लाइन चला दी जाए। मानो, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा एक सबसे बड़ा टूरिस्ट का क्षेत्र है और ताज नगरी जिसको कहा जाता है और वहाँ पर अनेकों देश विदेश सारे तरह के पर्यटक आते हैं और वहाँ कुल चार चीज़ें भी बड़ी प्रसिद्ध है मान्यवर, और जिसमें सबसे पहले ताजमहल जहाँ है वहीं पेठा है, वहीं जूता है, चौथे का नाम नहीं लूँगा मैं इस, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए अलग से एक ट्रेन की व्यवस्था करें जो इन मालों को तुरंत सप्लाई करके सुदूर क्षेत्रों में जाने की व्यवस्था हो सके, क्योंकि जब ट्रेनें आती जो भेजते हैं लोग तो ये लोग सारे सामान को यात्री ट्रेनों में भेजते हैं, उसमें जाने का सुविधा केवल एक दो जो कोच होता है उससे जाता है, उससे सामान उनका पहुँच नहीं पाता है। इससे अलग से इसकी व्यवस्था कराई जाए जिससे ये चार जो आगरा की तीन चीज़ें, एक तो नहीं ला सकते लेकिन दो की व्यवस्था जूता और पेठा की हो सके, इसके लिए व्यवस्था की जाए। मानवर, जहाँ विश्व में आगरा का स्थान ताज के कारण से है, यहाँ के स्टेशन भी तदनुरूप बनाए जाए, उसी के आधार पर यहाँ की व्यवस्था की जाए। मैं माननीय मंत्री से बात करूँगा। मैं सबसे प्रमुख बात करना चाहूँगा कि सन 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने गांव बटेश्वर को, जो एक तीर्थस्थल भी है जैनियों का भी है, वहाँ पर आगरा से इटावा तक के लिए एक रेल लाइन का शुभारम्भ किया था। ये लाइन 2 साल बनी लेकिन UPA सरकार के आने के बाद ये काम पूरा 10 साल ठप हो गया। पूरा माननीय मोदी जी के आने के बाद ये सारे इस कार्य को पूरा किया गया और 2-3 साल पहले जब तत्कालीन रेल मंत्री माननीय मनोज सिन्हा ने उस पर एक मेमो रेलगाड़ी चलाकर उसका शुभारम्भ किया और उन्होंने घोषणा की थी इस ट्रेन को, इस रूट को अधिक उपयोगी बनाने के लिए और अधिकतर लोग बटेश्वर को दर्शन कर सकें, बटेश्वर में पूजा कर सकें और जैन समाज के लोग भी वहाँ पर, क्योंकि जैन तीर्थंकर का भी नाम वहाँ शंकर का आता है, इसलिए अधिक जा सकें, इसलिए यहाँ पर कुछ यात्री ट्रेनें और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें जिनका उन्होंने नाम भी लिया था घोषणा इसे चलेंगी, जिसके कारण से टुंडला और आगरा फोर्ट का जो सेक्शन है भीड़ भाड़ इससे बचत हो जाएगी, परंतु कोरोना के कारण से काम हो नहीं पाया। मानवर, मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें और इस कार्य को सुलभ कराएं। धन्यवाद माननीय दुबे जी। माननीय समीर उरांव जी। आदरणीय उपसभा